स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जन्मोत्सव कार्यक्रम सारे देश में मनाया गया। चरित्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद जी का विचार। सुख स्वरूपाय स्वामिने मंच पर उपस्थित स्वामी शक्ति सारानंद जी, डॉक्टर ओपी शरण जी, उपस्थित शिक्षक शिक्षिका वृंद जो बहुत से स्कूलों से आए हैं, और हमारे छात्र छात्राओं, स्वामी विवेकानंद का ये 150वां जन्मोत्सव, जिसके बारे में स्वागत भाषण में हमारे स्वामी जेत्रानंद जी ने बताया था, ये 150वां वर्ष 4 वर्ष तक मनाया गया। इस कार्यक्रम का पहला उद्देश्य था प्रचार और प्रसार। तो मैं कह रहा था कि ये 4 वर्ष में हमको 2 काम करने थे। एक तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, वो हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को मालूम होना चाहिए, और दूसरा जो उन्होंने कहा उसको हमको इन 4 वर्ष में करके दिखाना था। इसलिए हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम रखे गए जिसमें प्रचार प्रसार का था, प्रतियोगिताएं रखी गई, सेमिनार रखे गए, वर्कशॉप रखे गए, भक्त सम्मेलन रखे गए, युवा सम्मेलन होने लगे। हमने जिला स्तर पर भी युवा सम्मेलन किया बहुत से जिलों में, और फिर राज्य स्तर पर भी यहाँ पर सम्मेलन हुआ जिसमें आप लोगों के स्कूल से बहुत अच्छी सक्रिय सहभागिता रही है। हमने स्वामी विवेकानंद का रथ भी निकाला, जो रथ रांची से शुरू होकर सारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश होते हुए अभी छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ से पुनः रांची में आएगा। अभी तक हम कुछ जगहों में जा पाए थे, अब हम और गांव-गांव के अंदर उस रथ को ले जाने की कोशिश करेंगे। रथ के साथ स्वामी जी की वाणी जाएगी, स्वामी जी का भाव जाएगा, स्वामी जी की पुस्तकें जाएंगी, ताकि हमारे गांव के कोने कोने में भी जो बच्चे हैं उनके अगर नहीं आ सकते हैं, तो खेत में हम पहुंचेंगे उनको उनकी वाणी सुनाने के लिए। दूसरा उद्देश्य था स्वामी जी ने जो कुछ कहा उसको करके दिखाना है। दूसरा है, स्वामी जी ने जो देश की उन्नति के लिए बातें कही उसको करके दिखाने के लिए, जनसाधारण की दुर्दशा को दूर करना ये पहला कार्य है। सबसे पहले बात स्वामी जी ने कहा है, हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जनसाधारण की अवहेलना। आज आप लोग बच्चे हैं, कल बड़े होंगे ही, कोई आपस में आप में से नेता बनेंगे, कोई हो तो ऑफिसर बनेंगे, कोई दूसरे विभागों के अंदर कर्मचारी के रूप में होंगे, कोई हो तो बिजनेस करेगा, कोई हो तो समाज सेवा करेगा, कोई हो तो अध्यापक बनेगा। विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें आप लोग जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखने की है, हमारे देश को उत्थान करने के लिए, ए भाई बोतल नहीं बाद में, हमें आवश्यकता है अपने को समझने के लिए हमारे देश की कठिनाई कहाँ है, हमारे देश का दुख कहाँ है,
स्वामी जी ने कहा था अगले 50 वर्ष के लिए, अगले 50 वर्ष के लिए सभी देवी देवताओं को हटा दो, एकमात्र आराध्य देवी है हमारी भारत माता। और भारत माता की सेवा के लिए स्वामी जी ने आह्वान दिया। 1947 में भले ही हम राज्य तो पा गए, हमें आजादी मिली, बड़ी महंगी आजादी मिली, कितने बलिदान हुए हैं, कितने ने अपने परिवार को जलते हुए देखा है, कितने ने अपने आप के लोगों को मरते हुए सूली पर चढ़ते हुए देखा है। बहुत महंगी आजादी थी, लेकिन उसके बाद भी हम अभी तक अपने जनसाधारण पर अपने दृष्टि नहीं दे सके हैं। स्वामी जी चल रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, उन्होंने देखा ये ऋषियों की संतान जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण थी, यही वो हमारा देश है जिसको सोने की चिड़िया कहते थे क्योंकि समृद्धिशाली थी, यही वो देश है जहां पर विज्ञान और प्रयुक्ति इतनी एडवांस थी जिसका मुकाबला आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती है। स्वामी जी ने देखा भावनाओं से परिपूर्ण होकर के हमारे चारों तरफ तीर्थ बने हुए हैं, लेकिन तीर्थों में प्राण नहीं है क्योंकि वहां पर आडंबर बेची है। ये सारी दुर्दशा को देख करके स्वामी जी का हृदय क्रंदन कर उठा, सहन नहीं कर पा रहे थे, समुद्र में छलांग लगाई और एक पास में चट्टान थी, उस चट्टान पर जाकर के बैठे, 3 दिन 3 रात तक रोते रहे, मेरे देश की दुर्दशा। जन साधारण को सुखी बनाना ही सच्चा देश प्रेम है। अगर हमारे देश के अच्छे नागरिक न बने, आज के जो लोग जो बच्चे हैं वो कल हमारे नागरिक बनेंगे, अगर अपने देश के प्रति संवेदना नहीं है तो इतना ही खराब काम होगा जैसे कोई अपनी माता को मरते हुए देखता है, दुर्दशा में देखता है और उसका दिल नहीं दहलता। इसलिए बच्चों, ये देश कोई पत्थर नहीं है, पेड़ नहीं, पौधे नहीं है, सड़क नहीं है, मकान नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, यहां का निवासी भारत माता है और प्रत्येक भारतवासी के लिए हमारे प्राणों में स्पंदन होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद गए शिकागो में, भाषण दिया, चारों तरफ नाम हो गया, रहने के लिए अच्छा स्थान दिया, नरम नरम बिछाने थे, लेकिन रात को धरती पर लेटे हुए स्वामी जी के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, मैं तो यहां पर हूं लेकिन मेरे देशवासियों का क्या होगा। ये है भारत का देश प्रेम। भारतवासी हमारे देवता है। जन साधारण में शिव बुद्धि से सेवा करना मुक्ति का साधन है। का किसान हमारा अन्नदाता है, यहाँ के लोग हमारी परंपरा के अनुसार ईश्वर का ही स्वरूप है, इनको दुखी देखना इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जनसाधारण की अभिनंदन, इनको उठाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहली बात जो स्वामी जी ने देखी, अमेरिका और दूसरे देशों में घूमते घूमते स्वामी जी ने देखा एक ही फर्क है हमारे हिंदुस्तान से और यहां का, हमारे लोगों के पास शिक्षा नहीं है। प्रकृत शिक्षा का अभाव ही उनके दुख का मूल कारण है। सारी दारिद्रता, बेरोजगारी, बीमारियां, पिछड़ापन, एकमात्र इलाज है इसका शिक्षा। और स्वामी जी शिक्षा लाना चाहते थे, वक्त शिक्षा, जिसे मनुष्य बने, चरित्र का गठन हो, देश का प्रेम हो, ईश्वर के प्रति भक्ति हो।
और शिक्षा को लाने के लिए स्वामी जी ने कहा। सिस्टर निवेदिता ने इसको समझा था, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए। उस जमाने में आज जैसे बच्चियां पढ़ रही हैं ऐसी बात नहीं थी। मां शारदा ने अक्षर ज्ञान के लिए एक किताब मंगाई, वर्णमाला, और वर्णमाला को पढ़ने लगी। श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय ने आकर के कहा, मामी ये आपके लिए नहीं है। कहा, मामी ये आपके लिए नहीं है, हमारे देश में औरतें नहीं पढ़ सकती हैं। छीन के ले गया। माँ ने चुपचाप चुपचाप चोरी चोरी और दूसरी किताब मंगवाई, वह भी दे गया। क्यों? लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमने बचपन में देखा है, आज से 60-70 साल की पहले की बातें बोल रहा हूं, 70 साल पहले की, जब हमने थोड़ा सा होश संभाला था, घरों के अंदर पति पत्नी को दासी की तरह से इस्तेमाल करता है, इज्जत नहीं रखता है। जो आता उसके घर के अंदर, चाहे सास हो, ससुर हो, नंद हो, कोई भी हो, सबका अत्याचार सहना पड़ता है। ऐसे से मुक्ति दिलाने के लिए स्वामी जी का शिक्षा की आवश्यकता है। और आई सिस्टर निवेदिता, जिसने पहला महिलाओं का, बच्चियों का स्कूल खोला। आज तो हम देखते हैं देश के अंदर सभी बच्चियों को पढ़ने का पूरा अधिकार है। इसलिए सोचा स्वामी जी ने, इसलिए कि वहां की महिलाएं स्वतंत्र भाव से चलती हैं, हमारी महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ स्वाधीनता है, स्वच्छंदता नहीं। संयम से, चरित्र से स्वतंत्रता कायम रहती है। वर्तमान नकारात्मक शिक्षा नहीं, चरित्र गठन करने वाली, मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहिए। इसलिए स्वामी जी का विचार हमारे समाज में बहुत जरूरी। तो पहले भी शिक्षा, शिक्षा भी कैसी आज भी दुख लगता है। शिक्षा हमारी क्या है? हमको रटना है, परीक्षा के प्रश्नों पर पलटना है। स्वामी जी ने कहा, इससे क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड तुम बाहर में निकाल करके देख रहे हो, उल्टी हो रही है और कुछ नहीं है। जो सुना इस कान से गया, उस कान से निकला, कुछ अगर गलती से भीतर चला गया तो वो अनडाइजेस्टेड निकल गया, गहराई में नहीं गया। कारण क्या है? स्वामी जी कहते हैं, हमारे बच्चों के अंदर मन की एकाग्रता नहीं, बिखरे में मन से नहीं होता। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जबकि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, टेंशन हो गई, नहीं युद्ध नहीं करूंगा, घुटने टेक दिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मूर्ख, युद्ध भूमि में आकर के एक योद्धा अगर पीठ दिखाता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता। क्यों हुआ? एकमात्र वो कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तेरी बुद्धि तो बिखर गई है, तेरे उद्देश्य से चुप्त हो गई है। आज जरूरत है एकाग्रता की, अपने लक्ष्य पर एकाग्रता की। वो अगर आती है तो युद्ध में हम जरूर विजयी होंगे, लेकिन 99% हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि हमारा वो ऑब्जेक्ट है क्या, लक्ष्य है क्या जीवन का, मालूम नहीं। पूछते हैं तो बोलता है, नौकर नहीं, हमको मालिक बनना है। चलिए, ये सब करने से क्या होगा? तो बोलने के लिए अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी।
अरे नौकर बनने में अहंकार, प्यास गर्व है, हर मालिक बनने का गर्व भूल ही गए। मालिक बनने का टेस्ट खत्म हो गया। पहले अपना मालिक बनना है, अर्थात अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पर अपना मालिक बनना मालिक है। मालिक कैसे बनते हैं? जब आपका शरीर, आपकी इंद्रिय, आपका मन, आपकी बुद्धि आपके हाथ में है, आपके कहने से, इशारों से चलती है, नहीं तो नौकर तो नौकर ही होता है। किसका नौकर? आप कहेंगे जहां हम नौकरी करेंगे वहां का नौकर। अरे उसका नौकर होना फिर भी अच्छा है, पर हम लोग नौकर बन जाते हैं अपनी इच्छाओं का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, और इसका नौकर बन के हम नाचते हैं बंदर की तरह से। पढ़ने के लिए बैठे, किताब खोली, बड़ा अच्छा चैप्टर आया, लेकिन उसी समय सुना कि कहीं धोनी का मैच हो रहा है। ठीक है, होना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए, लेकिन समय समय से मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। अभी करो ना, पर बाद में। इसी तरह से वो कहता है, नहीं अभी छोड़ो, अरे कल परीक्षा, कोई बात नहीं है, परीक्षा तो फिर होती रहती है, मैच थोड़ी बार बार होता है। फिर पढ़ने बैठे, मम्मी ने डांट दिया, इसलिए अब धोनी को नहीं, पढ़ने बैठे। अब मम्मी ने सोचा कि धमका है थोड़ा सा, तो अच्छे अच्छे खाने की चीज बनाए, तो उसने उसमें जैसे ही वो खाना बनाना शुरू किया, उसकी सुगंध आ गई। अरे फल तो बाद में लेंगे, पहले खा ले, इसलिए उठ कर तो उधर चल दिया। मम्मी ने फिर जाकर, अरे खाना तो तेरे लिए बनाया हो, भाग क्यों ले जा, पढ़ो बैठो। अच्छा ठीक है, खा ले, तो खा करके फिर पढ़ने बैठे। उसी देखा कि चाचा जी आ रहे हैं, चाची जी आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, अभी यहाँ पर गप चलेगी, चलो उधर चलते हैं। जब सायात्मिका बुद्धि कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, इसे एक ये है गुरु नंदन प्रायोरिटी। इसे स्वामी जी कहते हैं, ये पहली बात है, पढ़ने में मन एकाग्र होना चाहिए, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, पावर ऑफ मेमोरी होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये हमारे अंदर आने चाहिए। दूसरा है कि सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। हम पढ़ते हैं इसलिए कि एग्जाम में पास करना है, लेकिन ये नहीं, सब्जेक्ट को समझना है, नॉलेज को बढ़ाना है, गहराई में जाना है, तब अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, अच्छे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहला था कॉन्सेंट्रेशन। कहते थे, स्वामी जी अगर मुझे फिर जन्म लेना पड़े और स्कूल में जाना पड़े तो मैं पहले कॉन्सेंट्रेशन करूंगा, उसके बाद पढ़ने। आत्मविश्वास की प्रत्येक प्राणी में वही अनंत शक्ति परमात्मा विद्यमान है। अपने ऊपर विश्वास हो। कैसा विश्वास? स्वामी जी कहते हैं, अगर मालूम हो जाए ना कि तुम्हारे भीतर में कौन है, अभी तो सोचते हो कोई भूत है, कोई सोचते होगा कोई जीव है, कोई सोचता होगा पता नहीं क्या है, ज्यादातर तो यही सोचते हैं कि हम तो ये हैं और बाकी अंदर कोई दूसरा हुआ होगा, ऐसी बात नहीं। अनंत शक्ति हमारे भीतर में। हैव फेथ दैट यू माय डियर लिट्स आर बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, लेट नॉट द बर्ड्स ऑफ पपीज फ्राइटन यू, नो नॉट इवन द थंडरबोल्ट्स ऑफ हेवन, बट स्टैंड। अनंत शक्ति है भीतर में, और उस शक्ति के कारण स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं सितारों को तोड़कर ला सकता हूं, पर्वत को चूर चूर कर सकता हूं, समुद्र को सुखा सकता हूं, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? वो अहंकार से नहीं, अपने अंतर्निहित दिव्यता के भाव से कह, मैं श्री रामकृष्ण की संतान हूं, अर्थात मेरे भीतर में वह दिव्य शक्ति विराजमान है। वो उनके ही नहीं, ये शतेर आत्मा सर्वांतर रहा,
सबके भीतर में वही है, आपके भीतर, इनके भीतर, उनके भीतर, सबके अंदर वो विराजमान है। उसको पहचान के नहीं, इसलिए अपने को दरिद्र समझते हैं, दीन समझते हैं, दुखी समझते हैं। लेकिन अगर पता लग जाए अंदर, तो वहां तो आनंद का स्रोत बहता है, वहां तो आनंद का सागर भरा हुआ है, वहां बुद्धि की कोई कमी नहीं है। अनंत बुद्धि, अनंत जीवन, अनंत आनंद हमारे भीतर में, ये अविश्वास होना चाहिए तो देखेंगे। और पवित्रता, पवित्रता के लिए पूछेंगे ना मम्मी पापा से जाकर के, तो क्या बताएंगे, पूछ लेना। लेकिन मैं बताता हूं स्वामी जी क्या बोलते हैं। स्वामी जी कहते हैं एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेना और मिला लेना, रिसर्च कर लेना उस पर। निस्वार्थता ही पवित्रता और पुण्य है। स्वामी जी ने कहा स्वार्थ ही पाप है, निस्वार्थता ही पुण्य। स्वार्थ ही पाप है क्योंकि स्वार्थ सब पापों की मूल है, और निस्वार्थता से पुण्य होता है, और वो सब पुण्यों की मूल है। सारा समाज, देश, जाति, वर्ग, वर्ण सब इस पर निर्भर करते हैं। जितने स्वार्थी होंगे उतना ही हमारे भीतर में राक्षसत्व पैदा होता है, और जितने निस्वार्थी होंगे उतना ही हमारे भीतर में दिव्यता होती है। साक्षी आपको जान, आप सब जानते हैं इसका साक्षी कौन है। सबसे बड़ा स्वार्थी था जो कहता था सारी दुनिया की दौलत मेरे लिए, सारे दुनिया की नेचुरल फोर्सेस मेरे लिए, सारा दुनिया का धन मेरे लिए, तीनों लोक के सब कुछ धन ला करके इकट्ठा कर लिया, सोने की लंका बना ली। कहने लगा फर्स्ट लेडी ऑफ दैट टाइम जानकी को भी उठा लाया, वो भी मेरे लिए। स्वार्थी कौन था वो सब पहचानते हैं। उसकी पूजा होती है नहीं होती। दूसरी तरफ उतनी ही शक्ति वाला, बुद्धि वाला, अपने घर बार को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, राम की सेवा में आया हुआ है, सारा जीवन राम के लिए लुटा दिया, सारे काम राम के संभालता है वो। उसी ने लंका जाकर के हनुमान है, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, राम के लिए सोचा। किस लिए? कि राम के द्वारा जगत का कल्याण होने वाला है। इसमें लुटा दी अपनी सारी जीवन, और आज उसके घर घर में पूजा होती है, जगह जगह बाजार में उसके मंदिर तैयार हो रहे हैं। और हम कहते कौनों से संकट है जग में, कौन सा संकट है जो हनुमान जी ने बोलने से पार नहीं हो जाता। इसलिए प्यूरिटी, पवित्रता, ये तीन गुण स्वामी जी बोलते हैं अगर ये है तो हम अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, अपने आत्मा के बारे में जान लें तो एक अच्छा विद्यार्थी, छात्र छात्रा सकते हैं। अगर एक प्रोफेसर जान ले तो अच्छा पढ़ा सकता है, अगर एक वकील जान ले तो ठीक ठीक न्याय की बात कर सकता है, अगर एक हिंदू जान ले तो अच्छा हिंदू बन सकता है, मुसलमान जान ले तो अच्छा मुसलमान बन सकता है, अच्छा ईसाई बन सकता है, अच्छा सिख बन सकता है। कोई भी धर्म का, कोई वर्ग का, कोई भी जाति को अपने अंतर्निहित शक्ति को पहचान ले तो दुनिया से बड़े बड़े काम कर सकता है। ये स्वामी जी चाहते हैं हमारे नागरिकों को मालूम हो, लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग करने की जरूरत है। हम धन कमाते हैं, जोर जोर के रखते हैं, हम भवन बनाते हैं, खाली पड़े रहते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे मालूम है।
इसी जगह पर मैंने देख लिया है, चार पांच फ्लैट लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके अपने जब पद था यहाँ पर उस समय उन्होंने बना लिया, और आज वो दिल्ली में रहते हैं, ये सब खाली पड़े हुए, किसी के काम नहीं आते। धन भी जो बैंक में रखा होगा पता नहीं कब, इनका तो गोविंद नय नमन नमा हो जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा बैंक में। धन कमाओ, परिवार को सुखी रखो, पर अधिक धन हो तो दूसरों की सेवा में लगाओ। इसलिए आज जरूरत है ये जानने की, जो हम कमाते हैं, की मेहनत करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, हमारी क्षमता है तो उसका दुरुपयोग ना हो या खाली ऐसे छोड़कर ना चले जाएं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं दूसरों की बात सोचो। ये जो दरिद्र हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, निरक्षर हैं, इनको भी रहने का अधिकार है, इनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर कमाया है तो उसका सदुपयोग तो यही होगा। दे अलोन लिव, स्वामी जी कहते हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, ऑल अदर आर लाइक डेड मैटर्स। मरे के समान है जो दूसरों की सेवा नहीं करता, दूसरों की बात नहीं सोचता। अनसेल्फिशनेस बार बार आ रहा है, इज स्ट्रेंथ, सेल्फिशनेस इज वीकनेस। इसलिए हमको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमने कहा था स्वामी जी की 185 में दूसरा पर्व ये। इसके अलावा देखेंगे दूसरा पर्व, वो क्या है सुनिए। हम गांव में गए हैं, गांव के बच्चों को, उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी तो हमने देखा यहाँ पर योगा दिखाया, इन बच्चों के पास हम गए हैं। 500 बच्चे पांच जगह पर हैं, जिनको पढ़ने के लिए, उनको ध्यान को केंद्रित करने के लिए योगा मेडिटेशन, उनको पढ़ने के लिए एकाग्रता कैसे हो, ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़े, मेमोरी कैसे बढ़े, इसकी शिक्षा दी जाती है। उनको यूनिफॉर्म चाहिए, उनको छतरी भी चाहिए, उनको जूता भी चाहिए, उनको पुस्तकें भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए और पौष्टिक आहार भी चाहिए। ये उन तक पहुंचाया है इसलिए कि स्वामी जी ऐसा चाहते थे। उनको खेल कूद का सामान दिया ताकि वो खेल कूद से अपने शरीर को बलवान बना सके। इतने ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी खेल है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, मन को एकाग्र करने का बहुत बड़ा साधन है, सब जानते हैं। अभी मैं पूछूंगा तो बता देंगे। जब बॉलर बॉलिंग करता है तो मन कहां होता है? बैट पर। और जब बैटिंग करते हैं तो वो कहां होता है? बस बढ़ाओ इसको तो हो गई एकाग्रता। इसलिए खेलकूद का सामान। और गाना में, गाना बजाने में कितना आनंद होता है, नाचने में, इसलिए उनको हारमोनियम और गाना बजाना, जो उनकी संस्कृति है, अगर वो आदिवासी है तो आदि संस्कृति, दूसरी जाति के जो दूसरी संस्कृति, उनको पास लेने चाहिए। दूसरा कार्य जो किया, बच्चे जो बहुत छोटे हैं 0 से 6, उन बच्चों का पौष्टिक आहार नहीं होता क्योंकि उनकी माँ के पास नहीं है। प्रेग्नेंट मदर्स जो दूध पिलाती हैं बच्चे को, वो माँ, उन लोगों को भी पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, उनको भी कुछ सहायता की आवश्यकता है, बच्चों की आवश्यकता है, बच्चों के पालन की आवश्यकता है। इसलिए उसके लिए भी 2 जगह पर 200 बच्चों को इस प्रकार से सहायता की जा रही। अपनी संस्कृति और सभ्यता को पहचानो और दूसरे देशों में फैलाओ। हमारे देश में असहाय महिलाएं बहुत होती है और आजकल तो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बच्चे
पढ़ लिख करके अमेरिका चले जाएंगे, वहां ज्यादा पैसा मिलता है। और दूसरा होता है कि वहां के लोग अच्छे हैं, वहां का देश अच्छा है। हमारे देश में तो अनपढ़ रहते हैं, गंदे रहते हैं, वहां से सीख कर आते हैं। क्या सीख कर आए? अच्छी सी ड्रेस। हमारे देश के लोग क्या पहनते हैं वहां से देखो, कैसा फर्स्ट क्लास। और कैसी ड्रेस तो मैंने देखा, घुटने के पास से जाली जाली है पीवीसी। क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन। वहां की संस्कृति ला रहे हैं फटी हुई पैंट। स्वामी जी कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम्हारे पास क्या पड़ा है देखो तो जरा अपनी पॉकेट में झांक कर। महान संस्कृति, महान परंपराएं, महान ज्ञान, इसका और दूसरा रिसर्च हो ही नहीं सकता। वेदांत का ज्ञान जो हुआ उसके बाद में कोई रिसर्च नहीं हो पा रहा। हमारे यहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी उसकी अभी तक छोटी सी नकल भी नहीं हो पाई। उसका उदाहरण सिर्फ इतना है, विदेशों में हमने सीखा, यहां लाए प्लास्टिक सर्जरी, ऑपरेशन के कितने दिन के बाद वो उठ करके चलना सीखते। और हमारे यहां क्या था, सुश्रुत संहिता में देखा जाए 52 चैप्टर हैं, और अभी रात को लड़ाई में जिसकी टांग कट गई उस महारानी की टांग जोड़ी गई और दूसरे दिन लड़ने के लिए फिर पहुंच गई प्लास्टिक सर्जरी ऐसी। इसलिए हमको वो देखना चाहिए हमारे पास क्या है। और स्वामी जी कहते हैं इसका ग्लोबलाइजेशन करना है हमको, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता, अपने देश की परंपराएं इतनी महान है, इसके अंदर प्रेम है, दूसरों के लिए प्रेम है, सबके अंदर ईश्वर देख करके उसकी सेवा करने का अधिकार है। हम इस लोक की बात नहीं सोचते, हम परंपरा लेकर के वहां पर उस परलोक की बात भी सोचते हैं। हमारे पास इतनी संस्कृति है, इसको लेकर के हमें विश्व में जाना चाहिए, यहां का एम्बेसडर बनकर जाना चाहिए। हम गरीब नहीं है। स्वामी जी ने एक गुलाम देश का सन्यासी होते हुए, फकीर होते हुए भी अमरीका को जाकर के सुना दिया, वो ज्ञान सुना दिया जिसके द्वारा लोगों का भ्रम टूट गया। जो कुछ सुना आंचल में बांध कर ले जाएं और उसका मनन करें एवं जीवन में उतारें। हमारे कुछ वक्ता जो आए थे छात्रगण, उन्होंने भी कुछ कहा। और सबसे अच्छी बात अतुल कुमार ने कही, हम आए तो हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी गांठ में बांध कर ले जाना जरूरी है। ये एक नियम है, हम लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, किस लिए? पाप धोने के लिए। लेकिन ये नहीं मालूम है कि जब हम गंगा के पास जाते हैं तो हमारा पाप पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, और जब हम लौट करके आते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है। कहीं ऐसी हालत ना हो जाए। दूसरा है कि एक सास बहू दोनों प्रवचन सुनने गए, और वहां पर जो कथावाचक थे उन्होंने कहा, अतिथि देवो भव। घर में कोई आए तो हमारा अतिथि है, वो देवता है, इसलिए कुछ देना चाहिए, खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुन लिया, बहू तो जरा जवान थी इसलिए जल्दी जल्दी घर आ गई, और सास थोड़ी बूढ़ी थी इसलिए धीरे धीरे आ रही थी। बहू जब पहुंच गई तो उसने देखा कि एक याचक वहां पर खड़ा है, मांग रहा है। अभी तो सुन के आई, पंडित जी ने कहा था कोई घर में आता तो अतिथि देवता होता है, उसको देना चाहिए, इसलिए दे करके वो देने के लिए कुछ खाना पीना आटा वाटा लेकर के बाहर निकली। इस बीच में सास आ गई, अरे बहू क्या कर रही हो, चलो अंदर। अरे अंदर बेचारी चली गई डर के मारे।
अधिकारियों का भाव बताना है यहाँ पर। अंदर जाकर के फिर डांटना शुरू किया बहू को, बहू जी माता जी अभी तो पंडित जी बोल रहे थे ना अतिथि देवता होता है उसको देना है इसलिए मैं दे रही थी। अरे पंडित जी की बात तो वही रखी आनी है तो घर जा के ले आई, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी सास की तरह से बूढ़ी सास की तरह से यहाँ जो सुन के गए बोले यहीं घर जाओ महाराज जी ने जो कहा यहीं रहने दो हम लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे। क्या बहू बनना ना सास बनना है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अपने साथ लेकर जाओ और अगर कहीं भूल जाओ ये बात अगर भूल जाओ तो स्वामी जी की कुछ किताब उठा करके देख लेना। हम आज आप लोगों को एक वो किताब दे रहे हैं जिस किताब में नया भारत जो स्वामी जी बनना चाहते थे वो दिया हुआ है। मैंने जितनी बातें कही हैं मेरी अपनी कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरा पॉकेट खाली है। ये सब कुछ उसी का है, स्वामी जी का है और उस किताब में स्वामी जी का उपदेश मिलेगा। हमारी समस्याएं ऐसे चिन्ह से हैं जैसे हाथ से कोई दिखाता है, स्वामी जी का उत्तर गोल चिन्ह से है। उस किताब को अच्छी तरह पढ़ना समझना कुछ करना, तो ये स्वामी जी के वचनों को हम श्रवण करें या पढ़ें उसके बाद उसको मनन करें। क्या ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा स्वामी जी ने जो कहा मान लो झट से, मानो लेकिन समझ कर। जैसा स्वामी जी कहते थे स्वामी जी समझते थे, जब तक समझ में नहीं आ जाती वो लेते नहीं थे, जब समझ में आ गए तो लिया। ऐसे समझना है और फिर अपने जीवन में उतारना, क्योंकि जीवन का लक्ष्य हमारा जो अभी नहीं जानते वो है अपने भीतर की डिविनिटी को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, और वो तभी संभव है जबकि हम सन्मार्ग पर सच्चे मार्ग पर आध्यात्मिक मार्ग पर नींव पर अपने जीवन को खड़ा करें। तो हम अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, जितने बच्चे यहाँ आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, जो फिर कभी आएंगे, उन सबको वही प्रेरणा दें ताकि हम ईश्वर की भक्ति देश प्रेम जन साधारण के भीतर हमारी सेवाएं देने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद। महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने हम बच्चों को बताया, अपना गुरु मंत्र दिया कि मन की एकाग्रता, मन की प्रबल इच्छा, अपनी आत्म श्रद्धा और आत्म पहचान के बाद ही हमारी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक प्रगाढ़ युवा बनकर अपनी भारत माता की सेवा कर सकते हैं।